दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि KCI का पेपर क्या होता है, माइक्रोचिप क्या होती है और इसे पढ़ा कैसे जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये पेपर में ओनर का नाम है गुरविंदर सिंह, जो ब्रीड है वो है जर्मन शेफर्ड, और ये मेल है या फीमेल है तो डॉग लिखा हुआ है तो मेल है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 2022। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो एक छोटा एरो होता है, ये बेसिकली जो हम बच्चा लेते हैं उसका एरो होता है और उसी का ये माइक्रोचिप नंबर होता है। इसके जो ऊपर डिटेल होती है उसके फादर की ब्लड लाइन की डिटेल्स होती है, जिसको हम सायर के नाम से जानते हैं। तो सायर में जैसे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये उसके बच्चे के दादा की डिटेल्स है, उसके नीचे इस तरफ देखेंगे तो दादी की डिटेल है। ठीक उसी प्रकार जब आप नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ, जब एरो के नीचे आएंगे तो उसकी मदर्स की ब्लड लाइन की डिटेल होती है, जैसे जिसे हम डैम के नाम से जानते हैं। तो डैम में भी सायर और डैम होते हैं, मतलब नाना और नानी होते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत आराम से कि डैम में जो आपका सायर है, सॉरी बच्चे में जो डैम में जो सायर है उसकी 4th जनरेशन और नीचे उसके नानी की 4th जनरेशन की ऐसी डिटेल्स होती है। अब आपने देखा था गुरविंदर सिंह के नाम पे पेपर है। अब हमने ये बच्चा ले लिया है तो हमें अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराने के लिए KCI को मैंने एप्लीकेशन दिया था, जिसे KCI ने अप्रूव करके मेरे नाम पे इसे शेखर श्रीवास्तव के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो 2023 में होता है, ये आप इसका ऑथराइज सिग्नेचर देख सकते हैं KCI का। तो अब जैसे ये पेपर मेरे नाम पे हो गया है तो वो डॉग की पूरी अथॉरिटी भी मेरे नाम पे हो गई है। अब इसको 100% श्योर कैसे किया जा सकता है, तो हम डॉग के अंदर माइक्रोचिप जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो माइक्रोचिप में जो नंबर होता है और हमारे पास जो पेपर होता है उसमें जो माइक्रोचिप का नंबर होता है, दोनों अगर सेम होते हैं तो आप समझिए कि आप उसके ओनर हैं। तो हम अब माइक्रोचिप ले लेंगे। एक ये पैकेट है माइक्रोचिप का, आप देख सकते हैं इसमें एक नंबर लिखा रहता है, आखिरी के 4 नंबर आप देखिए इसमें है 6587, और यही नंबर आपका पेपर में भी होगा। पेपर में हम देख लेते हैं इसका नंबर है 6587, मतलब जो ये पेपर है उसी के माइक्रोचिप है और जो हमारे पास डॉग है हम उसमें माइक्रोचिप इंसर्ट करेंगे। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, मतलब मैं चाहूँगा कि आप अपने नियरेस्ट वेट से ही कराएं या कोई परफेक्ट ब्रीडर हो उससे कराएं। आप खुद इसे ट्राई ना करें क्योंकि आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। अब इसको करना कैसे है वो ज़रूर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको ऐसे करना है कि आपने अपना डॉग लेना है और धीरे से उस डॉग को, उसकी स्किन को ऊपर करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। या हमने हमारा डॉग ले लिया, इसकी स्किन धीरे से ऊपर करी और ये इसको इंसर्ट करके जैसे हम प्रेस करेंगे तो एक आवाज़ आएगी, इसका मतलब उसमें चिप इंसर्ट हो गई। देखिए आप, जैसे डॉग को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत आराम से मस्ती कर रहा है, खेल रहा है।